हेलो स्टूडेंट्स आज जो हम पोर्शन देखेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिट फर्स्ट का जो पोर्शन देखेंगे लेक्चर थर्टीन है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर जो सबसे पहला आएगा वो है परसेंटेज ऑफ एन आयनिक कैरेक्टर मुझे अगर किसी की भी बॉन्ड की आयनिक परसेंटेज निकालनी है कि वो कितना परसेंट आयनिक है कितना परसेंट कोवलेंट है इसको निकालने का सबसे ईजी मैथड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ टू बॉन्ड एटम्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द बॉन्ड बिटवीन देम वुड बी कोवलेंट वेयर इज इफ़ टू बॉन्ड एटम हैव द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दे वुड बॉन्ड विल बी प्रोमिनंटली आयनिक ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया था इससे पहले वाले जो लेक्चर हैं वहां मैंने बताया कि केमिकल एनवायरनमेंट कैसे डिसाइड करता है कि वो बॉन्ड जो होगा वो कैसे आयनिक होगा या कैसे कोवलेंट होगा परसेंटेज कोवलेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने का एक फार्मूला यहाँ दिया हुआ है एटीन uh, uh, जो है उसका ब्रैकेट एटीन मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में गामा ए माइनस गामा बी उसके ऊपर चार्ज पावर uh, है वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर की दिस इज द सजेस्टेड द एम्पेरिकल इक्वेशन इन कैलकुले कैलकुलेटिंग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन फिफ्टी परसेंट आइनिक कैरेक्टर अकर वेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना वन पॉइंट सेवन यहाँ एक एक हमने एक रेंज डिसाइड कर दी है कि जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इतनी आएगी वो आयनिक कैरेक्टर होंगे उसके बाद अगर इस इस, इस इसी इक्वेशन को हेनरी और स्मिथ ने मॉडिफाई किया और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए ये उन्होंने फार्मूला दे दिया और यहाँ उन्होंने बोला बंदा द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज टू पॉइंट वन देन द बॉन्ड इज फिफ्टी परसेंट आयनिक यहाँ उन्होंने दिया था वन पॉइंट वन पॉइंट सेवन और यहाँ उन्होंने दे दिया टू पॉइंट वन और इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इसका मतलब जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो मैंने निकाल लिया कि मेरा बॉन्ड कैसा कैम कैसा होगा इसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल अगर मुझे किसी की स्टेबिलिटी पता करनी है तो मुझे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मालूम होना चाहिए यहाँ देखिए स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दे रखा है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है लार्जर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू कंबाइनिंग एटम मोर स्टेबल विल बॉन्ड हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक कैरेक्टर क्योंकि जैसे जैसे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है उसका आयनिक आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है और आयनिक कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है आपने इससे पहले देखा है कि वन से ज्यादा होना चाहिए और उसके बाद आपने देखा है कि टू से ज़्यादा होना चाहिए तो वन से ज्यादा है तो इसलिए इसमें आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया और आयनिक कैरेक्टर बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू तो कोवलेंट सेकेंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो बॉन्ड एंगल इन अ मोलिक्यूल हमें किसी का बॉन्ड एंगल पता करना हो तब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसिडर कर सकते हैं वो इसलिए क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसी तरफ खिसक जाएंगे या उसके टूअर्ड दैट हो जाएंगे तो उन दो एंगल्स दो बॉन्ड्स के बीच का जो वो एंगल होता है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण चेंज हो जाता है द बॉन्ड एंगल डिक्रीज इन द सीरीज ये देखिए इसमें जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एन में सिर्फ इसलिए इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है पी में थोड़ी कम होती है तो थो थोड़ा होता है अरे एस बी में सबसे कम होती है तो उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो वही का वही रहता है लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इन अ पॉली एटामिक मॉलिकल द लेसर वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एंगल इनका मैग्नीट्यूड ही कम हो गया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हिले ही नहीं हिले ही नहीं तो जो जैसा था वो वैसा ही रहा इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज अ लेसर इट वुड नॉट बी एबल टू होल्ड द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट सेल्फ देयर बॉन्डेड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट मोर टूवर्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिस वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल तो डेफिनेटली बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो गया और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन भी डिक्रीज हो गया थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्वा सोलूशन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैन हेल्प डिटरमाइन वेदर कंपाउंड ये जो कंपाउंड होगा ये कंपाउंड कैसा बिहेव करेगा एक्वस सोलूशन में एसिडिक बिहेव करेगा या बेसिक बिहेव करेगा ये भी आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से जज कर सकते हैं इसके बाद जो है ये आप कैसे जस्ट कर सकते हैं हमने यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है और उनके बीच के यहाँ डिफरेंसेस दे रखे हैं हमें ये मालूम पड़ जाता है कि जो डिफरेंसेस ज़्यादा है उससे निकलने वाला जो एच निकलेगा या ओ OH एच निकलेगा वो हम ये डिफाइन देख लेते हैं कि जहाँ डिफरेंस ज़्यादा होता है इजीली तो वो वहाँ एच निकाल देता है जहाँ डिफरेंस कम होता है वो ओ OH एच निकाल देता है और उससे हम इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बता उसके इलेक्ट्रो उसके एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर को हम बता सकते होते हैं देखिए मैं एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले रखा है अगर ये एक्स ओ एच जो ये ये डिफरेंस था इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ दिस ओ एच एंड इलेक्ट्रोनिकल डिफरेंस ऑफ ओ एंड मेटल हैंस ओ एच बॉन्ड विल बी मोर पोलर देन एच टू एम बॉन्ड यहाँ क्या है ओ एच बॉन्ड मोर पोलर हो जाएगा और इस वजह से क्या होगा मोर पोलर होने से ओ एच ईजिली निकल जाएगा और ओ एच निकलने की वजह से वो बेसिक हो जाएगा इसी तरीके से इसके अंदर भी हमने यहाँ समझा रखा है कि कौन सा बॉन्ड किस तरीके से अपने पास से निकाल देगा यहाँ देखिए ओ एच विल भी रिमूव हो जाएगा अगर आप इन स्लाइड्स में गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि मोर पोलर होने से यहाँ जो पोलर है वो एम ओ है एम ओ पोलर होने से वो एच को रिलीज़ कर देगा इसके बाद जो है वो ये देखिए आप इसमें जो है ये एक, एक एग्ज़ाम्पल एन -ओ एच का है ये एल आई ओ एच का है दोनों में एग्जाम्पल में क्या है यहाँ पर जो होता है वो आ, ये अपना इजीली ओ एच निकाल देता है ये अपना इजीली ओ एच नहीं निकालता है साइज की वजह से कैलकुलेशन और इस, ये इसके बाद हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ है आप इसकी क्या बॉन्ड लेंथ की भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं एटम्स ए एंड बी बॉन्डेड थ्रू ए कोवलेंट बॉन्ड डिफर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवलेंट बॉन्ड एक्वायर आयनिक कैरेक्टर और पोलोरिटी ग्रेटर द पोलरिटी शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ एंड बिटवीन जैसे जैसे आपको ये पता चलेगा कि इनके बीच की कैरेक्टर कैसी है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही डिसाइड करेगी इसके बाद आता है बॉन्ड लेंथ के लिए एक फार्मूला दे रखा है इसको निकाल सकते हैं और आपने ये मैंने आपको इस पर से रिलेटेड नुमैरिकल्स भी करवाए हैं और यहाँ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी एक फार्मूला दे रखा है कि इस तरीके से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बाद आता है हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर अ डाईटमिक मॉलिक्यूल लाइक अगर मैं ए बी की बात करूँ वेदर ए बी इज इनके बीच की एनर्जी है बिटवीन मेजर एनर्जी ऑफ बॉन्ड ए एंड बी एनर्जी एक्सेप्टेड फॉर द प्योरली कोवलेंट बॉन्ड तो उसके बाद हम इसकी यहाँ पर इस तरीके से इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन अब इन सब वैल्यूज को निकालने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी वैल्यू कैन बी यूज टू प्रोडिक्ट बॉन्ड टाइप यहाँ से उसके बाद उसका बॉन्ड टाइप निकल जाता है अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम ऑफ अगर इसका ये ज़्यादा आता है जो मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया तो ये आनिक होगा अगर दो एटम के बीच का जो डिफरेंस है वो कम आता है तो वो कोवलेंट होगा ठीक है इसके बाद ये हमने यहाँ से सा पहले हमने देखा है कि उनको फॉर्मूले अलग अलग है वहाँ से निकाला और पोलर कोवलेंट एन अन इवन शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन जीरो बट लेस देन इतना हो जाता है हंड्रेड परसेंट जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी डेफिनेटली जीरो होती है इलेक्ट्रॉनिगेटिव दिस जनरली तभी हो सकता है जबकि वो एटम सेम होते हैं दोनों एक जैसे होंगे ये कंडीशन सिर्फ तभी होगी और इसके बाद है बॉन्ड पोलरिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देयर इज अ नो शार्प डिस्टिंग बिटवीन द बॉन्डिंग टाइप बॉन्डिंग टाइप्स के बीच में बेसिकली हम कभी भी डिस्टिंग कर नहीं सकते कि वो कितना टाइप का होगा कैसा होगा मतलब मैं प्योरली कह दूँ कि वो प्योरली आने देखिए आप देखिए ये प्योरली ऐसा हो तो एफ एफ टू में होगा एच एफ में देखिए थोड़ा कम है और एल एफ में कुछ ऐसा है तो मैं एग्जैक्टली exactly नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है कि वो किस तरीके का बॉन्ड बनाएगा इसके बाद जैसे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ टू पॉइंट फोर फ्लोरिन की एकदम से चार है तो इसका जो आया वैल्यू ये आई तो हमने इसको आयनिक कैरेक्टर बोल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हमको जो है इंडिकेशन ऑफ़ बॉन्ड टाइप का मिल जाता है द बिगर द डिफरेंस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट विल बी मोर आयनिक इन बॉन्ड इज इज देयर तो हम हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उसके बॉन्ड के टाइप का पता लगा सकते हैं थैंक यू वेरी मच और आज हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पोर्शन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया थैंक यू